फ्रेंड्स, आज मैं शेयर करने जा रही हूँ आपके साथ इम्यूनिटी बूस्टर हरे धनिए की चटनी, जो कि बहुत ही हेल्दी होती है। और इस टाइम में आप इन सब चीज़ों का यूज करके बनाइए तो बहुत ही हेल्दी रहेगा, क्योंकि इसके अंदर हमने डाला है जिंजर और गार्लिक, जो कि हमारे एंटीऑक्सीडेंट होते हैं और जो है बहुत ही अच्छे रहते हैं। अगर हम खाएँ तो हमारी इम्यूनिटी के लिए विटामिन इसके अंदर बहुत अधिक होता है, तो बहुत ही फ़ायदेमंद है ये चटनी। तो आप थोड़ा भी 1 स्पून भी खाएं तो आपके लिए बहुत अच्छा है। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल पुष्पलता किचन। पुष्पलता किचन को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले जो भी मैं न्यू रेसिपी डालूं। और हाँ फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल बटन को दबा दीजिए, ताकि जब भी मैं कोई न्यू रेसिपी डालूँ तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिले। तो चलिए मैं बताती हूँ मैंने क्या क्या लिया है और कैसे बनाया है। तो इम्यूनिटी बूस्टर चटनी बनाने के लिए मैंने धनिया लिया है, धो के साफ कर लिया है। ये टमाटर 2 लिए हैं, ग्रीन चिली और ग्रीन गार्लिक लिया है, और जिंजर लिया है, और यहाँ पे जीरा लिया है। तो ये सारे इंग्रेडिएंट्स हैं जो कि बहुत ही हेल्दी हैं, और अगर हम इम्यूनिटी को हमारे बूस्ट करते हैं, जिंजर है वो भी, गार्लिक सभी। तो यहाँ पे मैंने सभी चीज़ों को चॉप कर लिया है, जिंजर को और कोरिएंडर को सभी कुछ, और मिर्च सभी हमने चॉप कर लिया है। उसके बाद हम एक जार लेंगे और जार के अंदर इन सभी चीज़ों को डालेंगे। तो यहाँ पे मैंने जार में कोरिएंडर को डाल दिया है और जिंजर, और यहाँ पे मैंने जो ग्रीन गार्लिक लिया था वो भी डाल दिया है। और सारी सामग्री को डाल के और हम इसे पीसेंगे। तो ग्राइंड करने के बाद हम दिखाते हैं, यहाँ पर जीरा भी डालेंगे हम, उससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और इसके बाद टेस्ट के अनुसार हमने यहाँ पे साल्ट ऐड कर दिया है, और थोड़ा सा यहाँ पे हम डालेंगे मस्टर्ड ऑयल, जो कि इससे टेस्ट एकदम दुगुना हो जाएगा इसका। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने चटनी बना ली है और बहुत ही अच्छी बनी है, कलर भी देखिए कितना अच्छा आया है। तो फ्रेंड्स, ये चटनी आप 1 स्पून डेली खाइए तो आपके लिए बहुत सब अच्छा रहेगा। तो ये हमारी जो इम्यूनिटी बूस्टर चटनी रेडी हो गई है, यहाँ पे मैं गार्निश कर देती हूँ धनिया पत्ती से। तो फ्रेंड्स, ये आपको चटनी कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और अगर आपको अच्छी लगती है तो लाइक कमेंट शेयर कीजिए और फ्रेंड्स फैमिली में, और बनाइए और खाइए। और अगर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन को दबाइए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल को दबा दीजिएगा, ताकि जब भी मैं कोई रेसिपी डालूं तो नोटिफिकेशन आपके पास ज़रूर पहुंचे। तो चलिए मिलती हूँ फिर एक नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स, टेक केयर ऑल ऑफ़ यू, गुड बाय, गुड।